अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। कल हमने बेटे डिस्कस किया था वार्सला, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चौरसला। चौरसला के बारे में हम बात करें, इससे पहले थोड़ा सा आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। गैस के लिए हम एक टर्म यूज़ किया करते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस बेटे हम कहा करते हैं ऐसी गैस को दैट गैसेस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉज, उन गैसेस को हम नाम दिया करते हैं आइडियल गैस। जैसे कोई इंसान हमारे लिए आइडियल होता है, लाइक हमारा कोई टीचर हमारे लिए आइडियल है, हमारे रिलेटिव में से हमारे लिए कोई आइडियल है, कोई डॉक्टर हमारा आइडियल होता है, सलम के साथ हमारे लिए आइडियल है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ हमारे लिए आइडियल है। तो वो आइडियल इसीलिए है क्योंकि उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, और ऐसी खूबियाँ असल में अगर हम बात करें यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया आइडियल गैस, और यहाँ हमने एक चीज़ इंडिकेट की कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे गैस राज को फॉलो करें। तो ये जहन में रखिएगा कि यूजुअली कोई गैस भी आइडियल होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि कोई गैस है वो आइडियल है, और अगर नहीं है तो यकीनन फिर हम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं उसको इस तरफ लाने के लिए, उसके आइडियल बिहेवियर की तरफ लाने के लिए। जैसे जैसे आमतौर पर होता है कि कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहा, मेहनत नहीं करता, तो पेरेंट्स भी थोड़ी सी उस पर सख्ती करते हैं, टीचर्स भी उसे समझाते हैं, सख्ती करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको हम इस तरफ ले आते हैं कि वो पढ़ने लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके फिर हम इनको नॉन आइडियल बिहेवियर से आइडियल बिहेवियर की तरफ लाते हैं। और इसके बारे में ये ख्याल होता है कि जो आइडियल गैस है उसका पॉइंट यूजुअली कंसीडर किया जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे शुड हैव वुड हैव जीरो वाली। फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये इमेजिनरी है, इसके ऊपर बात करते हुए ये थोड़ा सा लफ्ज मैंने यहाँ पे इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि यहाँ चौसला में भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात होगी, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर कर दिया कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज होगा तो बेसिकली आइडियल गैसेस आइडियल बिहेवियर के लिए यूज़ हो रहा होगा। तो चौसला की अगर हम बात करें, चार्ल्स ने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर। जैसे हम पिछले लेक्चर में बात की थी, अगर हमने किसी दो टर्म्स को कोरिलेट करके स्टडी करना है तो किसी तीसरी टर्म की अगर हम बात करेंगे तो बाकी सारे टर्म्स को हमने वहाँ कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो इसी लिहाज से हम कहेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर उसने स्टडी किया था, लेकिन किस तरह से प्रेशर को कंसिडर किया उसने कॉन्स्टेंट, प्रेशर को कॉन्स्टेंट करते हुए उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन स्टडी किया। तो किस तरह का रिलेशन से देखने को मिला, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो भी मैं आपके सामने लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी आपको समझा रहा था, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन साथ कंडीशन कौन सी है कि प्रेशर क्या रखना है कॉन्स्टेंट, तो वो वाली बात भी हम अप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कि अगर हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एक रिलेशनशिप स्टडी करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बात की थी, यहाँ अगर वॉल्यूम गिवन मास की बात हो रही है तो ये वॉल्यूम को हमने क्या कंसिडर करना है, फॉर इंस्टेंस ये फिक्स्ड होगा, टेम्परेचर चेंज करने से इसमें क्या चेंज आएगा हम वो स्टडी कर रहे हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि यहाँ से बेटे हमने ये चीज़ सीखी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के
डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में ये है कि जैसे जैसे इंसान मेहनत करता जाएगा वैसे वैसे उसको ज़्यादा फल मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे वैसे वैसे उसके पैसे भी ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे हम ज़्यादा काम करेंगे वैसे वैसे हमारी इनकम भी ज़्यादा होती जाएगी। ये सारा डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही बेटे यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, जो आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा होगा फोर्थ में। जैसे बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार आगे जाना शुरू हो जाएंगे दूर, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे बेटे तो वो गैस क्या होना शुरू होगी, फर्दर एक्सपैंड होना शुरू होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करना शुरू करेंगे बेटे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी उनकी मूवमेंट कम होगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से गैस का जो वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर, और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने चेंज करना होता है साइन ऑफ इक्वालिटी से, सो वी कैन राइट एज वॉल्यूम इज इक्वल टू के इनटू टी। जैसे हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स एक इक्वेशन में हों तो हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करना होता है, तो हम इसी इक्वेशन को कुछ यूं लिख सकते हैं कि वी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक रिलेशन बन गया जिसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू की बात की। अब इसी लिहाज से अगर हम बात करें इनिशियल टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी इनिशियल होगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर टी वन है तो यकीनन उस वक्त वॉल्यूम वी वन होगा और इनका रिलेशन इक्वल होगा कांस्टेंट। ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर टी वन से टी टू करेंगे तो वॉल्यूम वी टू हो जाए। आपकी बुक में इतना ही है। फर्दर अगर हम बात करें अगर हम टेम्परेचर टी टू से टी थ्री करेंगे तो वॉल्यूम भी वी थ्री हो जाए, अगर हम टेम्परेचर टी फोर करेंगे तो वॉल्यूम भी वी फोर हो जाएगा और वो भी ओवरऑल इसके इक्वल रहेगा कांस्टेंट। तो अगर हम उसको देखें जब इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल है, जब किसी इक्वेशंस में दो इक्वेशंस में जिनको हम कंपैरिजन में ला रहे हैं उनकी अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हो या लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो तो हम कह दिया करते हैं कि उनकी दूसरी साइड भी इक्वल है, तो हम इस रिलेशन को यूं लिख सकते हैं कि वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू। और ये चौथा फाइनल एक्सप्रेशन है और इसको यूज करते हुए हम किसी भी गैस का रिलेशन स्टडी कर सकते हैं वॉल्यूम का टेम्परेचर। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमने टेम्परेचर सॉरी प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। जब तक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को स्टडी करेंगे, और उनका रिलेशन क्या आएगा हमेशा वो आएगा डायरेक्ट रिलेशन में। इस तरह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और इस तरह के रिलेशन को ही हम नाम दिया करते हैं डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन साथ ही ध्यान रखें कंडीशन यही है कि हमने जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमने कांस्टेंट कंसीडर करना है। अगर जब तक हमारा ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब तक वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही रिलेशन होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हम इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें तो हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं या जो वो जॉस ने बात की थी वो बात ठीक थी या नहीं, तो उसके लिए हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है।
तो इसके लिए हम अगर देखें आपकी बुक के कार्ड किस तरह से आपकी बुक में, हम वही बात करेंगे। गैस का वॉल्यूम वी वन एट टेम्परेचर टी वन, जब वॉल्यूम वी वन है उस वक्त हम पहले बात कर चुके हैं क्या होगा, टेम्परेचर टी वन होगा। तो जो टेम्परेचर टी वन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटे 25 डिग्री सेल्सियस, तो और वी वन उस वक्त है 50 dm। अगर हम इसको स्टडी करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर टी वन 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो यकीनन जो हमारा वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये बात हमने ऊपर स्टडी की, तो इसी हिसाब से जो टी वन है अगर हम इस टी वन को इंक्रीज करते हुए टी टू करके ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब यहाँ पे वाजे तौर पर आप देख सकते हैं चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो यकीनन उनका आपस में रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज होगा और हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वी टू इज इक्वल टू 62.5 dm³। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, तो यकीनन इनका आपस में रिलेशन कौन सा बना, डायरेक्ट रिलेशन बना। अगर आपने इसको फर्दर वेरीफाई करना हो, आपकी बुक में नहीं है, आपको भी करने की जरूरत नहीं, अगर आपने करना हो तो आप वही ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था v1/t1 = v2/t2 ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इनको देख सकते हैं और आप देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन आपने एक काम करना है, अगर आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना हो तो जो डिग्री सेल्सियस से आपने इसको कन्वर्ट करना है कैलवन में, क्योंकि आपको पता है आप टेम्परेचर के लिए जो यूनिट डिस्कस करते हैं आमतौर पर वो कैलवन ही डिस्कस किया करते हैं। ये था हमारा चार्ज था और हमने थोड़ी सी बात की अब्सोल्यूट टेम्परेचर की और थोड़ी बात की हमने आइडियल गैस की। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, और यही है जी बॉयल्स का अलाव।